अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। अभी मैंने वीडियो बनानी थी लाइफस्टाइल के लिए, व्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल के लिए, तो मैंने जो है ना वो अपनी मशीन ऑर्डर की थी तो वो आ गई थी। तबीयत आपको पता है मेरी, तकरीबन हफ्ते से ज़्यादा हो गया, 10 दिन से भी शायद ज़्यादा हो गया, 10 दिन हो गए इस तरह से तबीयत मेरी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। मेडिसन्स जो हैं वो मैं सारी रेगुलर ले रही हूँ, पूरी केयर कर रही हूँ और सब कुछ जो होता है, जो जो मुझे गाइड कर रहा है मैं सब कुछ कर रही हूँ। मुझे बहुत सारी सिस्टर्स मुझे गाइड कर रही हैं, बता रही हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, दिल से शुक्रिया आप सबका, बहुत 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 शुक्रिया। जितना भी शुक्रिया अदा करूँ ना कम है। और बस तबीयत मेरी जो है ना वो अभी भी मैंने मेडिसिन खाई है, सुबह का टाइम है, सुबह 5:15 हो रहे हैं, तो मैंने बस अभी वीडियो कंप्लीट करनी थी अपनी, वो बनाई, तो मैंने कहा चले मैं आपसे भी बात कर लूं। और इतना मतलब आप लोग दुआएं प्यार दे रहे हैं ना कि दिल खुश हो गया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपकी फैमिलीज़ को खुश रखे, खुश रहें जी, खुश रहें, दिल से दुआ आप सबके लिए। तो मैंने कहा चले मैं वो वीडियो तो बना रही हूँ तो यहाँ पर आपके साथ आके मैं बात भी कर लूँ। तो आप देखिएगा, मैं पहले वो वीडियो जो है ना वो अभी दिन में शेयर कर लूँगी, ये व्लॉग्स तो मेरे रात को ही जाते हैं, तो बस वो आप देखिएगा। और अपना बहुत ख्याल रखें, केयर करें अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, सबका बहुत ख्याल रखें, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। बस मैं अभी वीडियो एडिट करती हूँ और हाँ अब चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप मेरा व्लॉग देखें और दुआ में याद रखिएगा। मेरी मशीन जो है ना वो फाइनली आ गई है और अब ये मैंने कभी किसी को स्टिचिंग पे इतना खुश होते नहीं देखा। क्यों नहीं, आपकी कितनी आप दर्जी बेइज्जती ना करे मेरी अनबॉक्सिंग करने। टेलर सॉरी नॉट दर्जी। हाँ फीमेल टेलर्स होते हैं ना, अब शौक की बात है। यहाँ पे मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी धूप निकलेगी लेकिन कोई आसार नहीं है, हल्की हल्की मुझे उस टाइम नजर आई थी, लेकिन आप ये देखें फिर से जो है ना बादल आ गए। हल्की हल्की से मुझे लग रहा था कि शायद धूप निकल आएगी लेकिन मुश्किल लग रहा है क्योंकि बादल जो है ना वो काले से बिल्कुल आ रहे हैं, देखते हैं। और ये मैंने की है अपनी मशीन की अनबॉक्सिंग, मशीन जो है ना वो मेरी आ गई है तो यहाँ पे मैंने किया है, अगर आपने देखना हो तो आप देख सकते हैं ब्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, मैं बहुत खुश हूँ आज। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ना मशीन मेरी आ गई है, स्विंग मशीन जो है, और यहाँ पे मैं सेट कर रही हूँ बाथरूम के लिए, वॉशरूम के लिए सारी मैं अपनी ये बास्केट जो है इसको सेट कर रही हूँ, आप साथ साथ देखिएगा। और ये मैं लेकर आई थी B&M से, तो ये जो है बड़ी अच्छी मुझे मिल गई थी, मुझे इसी कलर में चाहिए थी क्योंकि अच्छी लगती है इस कलर में। और उसके साथ जितनी भी है ना, ये मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया था जो कि मैंने मंगवाया था, बॉक्स मंगवाया था, लिया था मैंने, सॉरी एक ऑर्डर भी किया है, वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो मशीन के लिए मुझे बहुत सारे पहले भी सब ने सजेशंस दी थी और मैं कन्फ्यूज थी कौन सी लूँ, कैसे लूँ, कहाँ से लूँ, लेकिन ये है कि फिर मैंने सोचा चलो मैं एक ही अच्छी ले लेती हूँ, थोड़ी सी महंगी है लेकिन ये है कि आराम से जो है वो मेरे मतलब गुजारा भी हो जाएगा और आराम से अच्छी चल जाएगी। इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, सिंगर कंपनी यहाँ पे बहुत अच्छी है, तो मैंने उनकी ओरिजिनल जो वेबसाइट है ना वहाँ से मैंने ऑर्डर कर दी। तो आप देखिएगा, बाकी डिटेल्स मैं शेयर कर चुकी हूँ ब्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे। अच्छा जी, यहाँ पे ये मैं सारी सेट करके और इसको मैं रख दूँगी वॉशरूम में। कुछ चीज़ें मैं पाकिस्तान से लेकर आई, बाकी मोस्टली मैंने यहीं से ली हैं सारी, तो ये बस मैं अभी सारी सेट कर रही हूँ। और मुझे ना तब भी क्वेश्चंस आए थे काफ़ी सारे कि डव का आपने कहाँ से लिया है, तो ये यहाँ पे लगी थी लास्ट मंथ में और अभी जनवरी में भी सेल्स लगी हुई थी और ऑनलाइन भी अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, हर जगह पे ये अवेलेबल हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन आए थे मुझे इसके बारे में, तो आप लोग देख सकते हैं। मैं एक्चुअली ना आजकल तो मेरी तबीयत जो है वो आपको पता है काफ़ी दिन हो गए हैं ठीक नहीं है, अभी तक स्टिल मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज ही वॉइस ओवर करी और आज ही व्लॉग अभी मैं शेयर कर दूंगी थोड़ी देर में, तो स्टिल मेरी तबीयत जो है ना बस वो अप एंड डाउन ही हो रही है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे ये भी आ रहे हैं, आप GP क्यों नहीं जा रही हैं। मैंने जितने भी सिम्टम्स बताए थे ना टेस्ट में तो मेरा नेगेटिव आया, लेकिन सब ने मुझे ये कहा था, अगर आप मेरी वीडियो के कमेंट्स देखें, पर्सनल मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, तो सब ये कह रहे थे कि हमारा भी इस तरह से आया था और पॉजिटिव था, या जिन जिन को भी हुआ है जो न्यू वेरिएंट आया हुआ है तो सबके सेम ऑलमोस्ट सेम सिम्टम्स जो हैं वो थे जो न्यू वेरिएंट आया। कोई मुझे फ्लू नहीं है, कोई मुझे कफ नहीं है, कोई भी मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है, स्मेल का टेस्ट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिवियर किस्म का बॉडी पेन जो है ना वो नहीं जा रहा। फीवर स्टिल मुझे आई थिंक 10 दिन से ऊपर ही हो गए अभी भी,
तो फीवर जो है ना बस वो एकदम से ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है। तो मैं जो है वो मतलब सेल्फ आइसोलेट हो गई थी जिस दिन से मुझे फीवर हुआ था। तो मुझे वहम तो ये हो गया था, मतलब मुझे एक शक हो रहा था कि कहीं ये ना हो। मैं नहीं जाती बाहर, लेकिन जाहिर है मेरे हस्बैंड जाते हैं रेगुलर। अब ये तो कहीं से भी जो है आपको पता है आ सकता है, लग सकता है। तो इसलिए फिर मैंने सेल्फ आइसोलेशन कर ली, और बाकी मुझे सब ने जो बताया मेडिसिंस मैं ले रही हूँ वो भी, और उसके अलावा जोशांदा कहवा इस तरह की चीज़ें मैं ले रही हूँ। बाकी आपके पास कोई और रेमेडीज़ हों तो ज़रूर बताइएगा। वाइटामिन डी भी मैं ले रही हूँ, साथ साथ मल्टी वाइटामिन्स भी मैं ले रही हूँ। तो बस यही होता है आई थिंक। इसके अलावा जीपी में क्यों नहीं गई, वो एक बहुत ही लंबी कहानी है, बहुत ही बैड एक्सपीरियंस। बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ। और वहाँ जो डॉक्टर मिला ना, वो तो बस उसकी कहानी मैं आपको इंशाल्लाह ताला कभी सुनाऊंगी। उसकी वजह से तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, जीपी चेंज करानी है। आई नो यहाँ पे जीपी सब ऐसी ही होती हैं, लेकिन वो जो हमें डॉक्टर मिला ना वो थोड़ा देसी था, और वो बहुत ही मतलब क्या कहूँ मैं, बस अब बताऊंगी आपको इंशाल्लाह ताला। मैं फिर कभी ये स्टोरी लंबी है सुनाऊंगी। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं व्लॉग की तरफ। और हुआ कुछ इस तरह से था कि उस्मान गए थे बाहर। वीडियोस मैंने रेगुलर इस तरह से नहीं बनाई, क्योंकि आपको पता है बीच में मैंने कुछ कुछ दिन वीडियोस व्लॉग शेयर भी नहीं किए। तो मैं और उस्मान हम मिल के थोड़ा बहुत जो है वो काम कर रहे थे, क्योंकि आपको बताया कि मेरे में तो हिम्मत ही नहीं। बस थोड़ी देर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं थोड़े बहुत ये काम कर लेती थी, अदरवाइज़ तो आप खुद सोचें मतलब इतना बुरा बॉडी पेन, और अगर कोविड भी है या हो के गुज़र चुका है तो उसके बाद वो निचोड़ देता है, आपके जिस्म में एनर्जी बचती ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी खाना पीना डाइट का तो ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ ना हो तो मतलब रोटी ब्रेड ये चीज़ें तो खानी आपको पड़ेंगी। तो मैं और उस्मान मिल के जो है ना वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर लेते थे, और उस्मान को मैं कम ही करने देती थी क्योंकि उनकी स्टडी भी स्टार्ट हो चुकी है, यूनिवर्सिटी उनकी स्टार्ट हो चुकी है और जॉब भी कर रहे हैं, तो वो बेचारे बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उनके आने से पहले काम जो है वो काफ़ी सारे मैं कंप्लीट कर लूँ। हाँ ये है कि फिर जब बिल्कुल नहीं होते, मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है, तो फिर वो आ जाते हैं मैदान में। तो बस ये जो है ना किचन भी मैं थोड़ा बहुत क्लीन कर लेती हूँ, घर सारा बिखरा हुआ है। मतलब जितना मुझसे होता है मैं अपनी पूरी कोशिश करके काम करती रहती हूँ, लेकिन बस अल्लाह ताला सेहत दे। सेहत से बढ़ के ना कोई चीज़ नहीं होती है ज़िंदगी में, आपको कदर तब आती है जब आप बीमार होते हो। और ये देखेंगे मैं रोटियाँ बना रही हूँ। एक्चुअली उस्मान जो है ना वो किसी से मिलने गए थे, तो उन्होंने फिर मुझे सख्ती से मना किया था, क्योंकि इससे पहले एक दो दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा रात को ख़राब थी। पूरी रात मैं कितनी रातें मतलब जागती ही रही हूँ, सोई नहीं, इतना बॉडी पेन, किसी चीज़ से ही सुकून नहीं मिल रहा था, फीवर बहुत ज़्यादा हाई था। तो उस्मान ने मुझे सख्ती से मना किया था कि ना बनाना, या मैं खुद जो है ना वो बनाऊँगा। तो मैंने कहा कि रोटी तो मैं बिल्कुल बाहर की नहीं खाऊंगी। और अभी वो गए थे किसी से मिलने के लिए, कोई काम भी था, तो उन्होंने कहा चलो हम जहाँ से लेते हैं एक सम टाइम, तो वहाँ से उन्होंने कहा मैं कोई सालन, या मैंने उन्हें कहा था बिरयानी हो तो वो ले लेना। तो बिरयानी जो है ना मैंने उनको कहा था, लेकिन मैंने एहतियातन जो है ना वो रोटी बना ली। मैंने कहा चलो मैं एक दो रोटी भी साथ बना लेती हूँ, बाकी फिर उस्मान ले आएंगे तो बिरयानी भी हो जाएगी, तो मिल के खा लेंगे। खाना जो है ना वो आ गया है, मैं आपको दिखाती हूँ उस्मान क्या लेकर आए हैं। एक्चुअली बस उन्होंने मुझसे कॉल पे पूछ लिया था कि ये चीज़ें हैं तो बताओ क्या लेना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बताऊँ कि मैंने मंगवाया है मटन। मटन मुझे लग रहा है कि उस्मान बहुत ज़्यादा लेकर आए हैं, तो खैर अच्छा हो गया आ गया। एक्चुअली मैंने मंगवाया है कि मैं यखनी बनाऊँगी, सूप बनाऊँगी। मटन मंगवाया है मैंने रान का गोश्त, और पुट का जो गोश्त होता है ना वो मैं लेती हूँ, शुरू से मैं यही लेती हूँ, शादी के बाद से जब से मैंने ये ग्रॉसरी और ये सामान चीज़ें लेना शुरू की हैं। तो रान का पुट का गोश्त है, उसके साथ चिकन एक फुल मंगवाया है, एक मैंने मंगवाया है जो चार पीस होते हैं ना, वो मैंने कहा था करा लेना, टिक्के वगैरह कुछ बना लूँगी, दिल चाह रहा है अब थोड़ा सा चटपटा खाने को। तो इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि बाकी क्या आया। अच्छा जी, अब दिखाती हूँ कि क्या आया है। और सारी चटनियाँ जी गिर चुकी हैं। चटनी मैंने उस्मान को कहा था थोड़ी सी ज़्यादा लेकर आना, मेरा गला बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, मुझे कोई कफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आजकल मेरा थोड़ा सा ना इस तरह चटपटा खाने को दिल खाता है, मुँह का टेस्ट बहुत ख़राब है। अच्छा, दो मंगवाए हैं समोसे, ये लैम्प के समोसे हैं, ये मैं कल खा लूँगी, आज ना भी खाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंने वैसे ही मंगवाए थे उस्मान से कल के लिए। इसमें है जी चिकन कबाब, इनको मैं निकाल भी लूँ, प्लेट्स में गर्म करती हूँ।
कबाब मैं निकाल लेती हूँ। एक्चुअली ना घर के इतने करीब है नहीं, और फिर आप जब दूर जाओ चीज़ें लेकर आओ तो फिर इंसान थोड़ा सा जो है ना ले ही लेता है। कोई बात नहीं, कल खा लेंगे, हो पड़ा कल के लिए। ये है खीर, ये मैंने स्पेशली मंगवाई है। ये देखें, ये उस्मान को मैंने कहा खीर तो ज़रूर लेकर आना, और ये फ्रेश बनी हुई थी वहाँ पे, तो ये उस्मान लेकर आए हैं। उसके साथ पता नहीं क्या क्या लेकर आ गए हैं। हाँ, कलेजी, कलेजी बिल्कुल फ्रेश वहाँ पे थी, तो मैंने उस्मान को कहा कलेजी ज़रूर लेकर आए, क्योंकि मीट शॉप पे कलेजी नहीं मिली। तो ये देखें, ये है कलेजी, लैम्ब जो होता है ना, बकरे की कलेजी है। और ये भी आ गई है, ये हैं जी कोफ्ते, मटन के आई थिंक लैम्ब के कोफ्ते हैं। और उस्मान इतना कुछ ले आए हैं, मैंने इतना कुछ मंगवाया नहीं, बट वो बहुत सारी चीज़ें ले आए हैं। तो ये लैम्ब के कोफ्ते हैं, और अब पूछती हूँ क्या गर्म करना है, क्या खाना है। और एक और चीज़ जो मैंने मंगवाई थी, अच्छा जो मैंने मंगवाई थी वो है ही नहीं, मैंने मंगवाई थी बिरयानी, बिरयानी है ही नहीं। चलो जी, ये आई है निहारी, मटन की है शायद निहारी, बट मैंने बिरयानी मंगवाई थी, बिरयानी है ही नहीं। पूछ के आती हूँ कि बिरयानी कहाँ गई है। तो ये है खैर सामान, रोटी मैंने बना ली है, ये है सारी चीजें जो उस्मान लेकर आए हैं। निहारी निकालो, कोफ्ते निकालो, इसमें कलेजी निकालती हूँ। गुस्सा आ रहा है ना, मैंने स्पेशली बिरयानी मंगवाई। घर में गोश्त वगैरह बिल्कुल खत्म हुआ हुआ था, और मैं उस्मान को कह रही थी कि आप मतलब मटन या बकरे का गोश्त जो होता है ना, कुछ इस तरह का लेकर आएँ, ताकि मैं सूप बनाती हूँ वो पीऊँ, उससे थोड़ी सी ताकत आएगी, तो हिम्मत आएगी, तो तभी इंसान उठेगा और अपने आप को, अपनी फैमिली को, घर को इंसान संभाल सकता है। तो उस्मान गए हुए थे, तो गोश्त भी उन्होंने लेना था, फिर उन्होंने उसके बाद कहा कि बस मैं खाना भी ले लेता हूँ। और मैंने उनको खैर इतना ज़्यादा नहीं कहा था, हाँ उन्होंने कॉल करके मुझसे पूछा था कि कलेजी रखी हुई है, ये रखा हुआ है, लेना है, तो मैंने कहा हाँ बस कलेजी ले लें आप, बिरयानी ले लें, और खीर मीठा मतलब मैंने कहा कुछ ले लें, लेकिन वो जो है ना बाकी चीज़ें खुद ही ले आए, और बिरयानी जो लेने गए थे जो मैंने कहा था वो भूल गए, मतलब उन्होंने उनको कहा था वो डालना ही शायद भूल गए थे। तो आजकल ये हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, अल्लाह ताला खैर करे, और बस सब कुछ अल्लाह ताला जल्दी से ठीक कर दे, रूटीन नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ पे बस हम खाना खा रहे हैं दोनों, मैंने फिर बाकी इतना सारा तो गरम करके क्या करना था, मैंने ये कोफ्ते गरम कर लिए और उसके साथ कलेजी मैंने गरम कर ली। और कलेजी एक्चुअली मैं कब से सोच रही थी, लेकिन मैं जब भी जाती हूँ स्ट्रॉबेरी गार्डन जाऊँ, या मैं मटन या जो मैं गोश्त वगैरह लेने जाती हूँ, जब भी जाती हूँ शाम को जाती हूँ, तो इस टाइम पर कलेजी और ये चीज़ें नहीं मिलती। हाँ खीर बहुत मज़े की थी। तो बस ये था मेरा आज का दिन, और थैंक यू सो मच वंस अगेन वीडियो देखने के लिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आप सबको महफूज रखे, अपनी अमान में रखे। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।